पाकिस्तान मुर्दाबाद मोदी सरकार हाय हाय 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जी सर, आज हम जहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, दूसरा अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में है, जम्मू कश्मीर में है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन। आज कल जो बॉर्डर पे सीज फायर वायलेशन हुआ और जिसकी वजह से हमारा एक बीएसएफ का हेड कांस्टेबल आरपी हाजरा, जिसकी कल वो शहीद हो गए, आज हम सब ने मिल के ये प्रोटेस्ट किया है कि एक तो हम पाकिस्तान सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आप हमारे देश को इतना कमज़ोर मत समझो, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। हमारे बॉर्डर पे रहने वाले जो हमारे, चाहे फौजी वहाँ पर, चाहे आर्मी वाले, चाहे बीएसएफ वहाँ पर रहते हैं और लोगों की सेवा करते हैं, हमारे लोग जो वहाँ पर रहते हैं, अब उनसे बर्दाश्त से बाहर है। और जो उन्होंने ये सीज फायर वायलेशन कर रहे हैं, पिछले 43 महीनों में अगर आप देखें तो कांग्रेस के टाइम बड़ी एक दो धक्का वारदात होती थी, लेकिन आज कोई ऐसा दिन खाली नहीं होता जिस दिन पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन नहीं करता और हमारे जो जवान हैं बीएसएफ के, आर्मी के, उनको शहीद नहीं करता। ये हम निंदा करते हैं पाकिस्तान की, ये जो हरकतें वो बॉर्डर पे कर रहा है, और अपनी सरकार जो सेंटर की है, स्टेट की है, उसकी भी निंदा करते हैं कि जब से ये आया है इन्होंने वायदा किया था कि हमारा 56 इंच का सीना है, हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, अगर वो हमारा एक आदमी मारेंगे हम उनके 10 मारेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि जब से ये पावर में आए हैं, सीज फायर के उल्लंघन में बड़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा जवान जो बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं, और मिलिटेंसी बढ़ गई है। 5 कनाल का एक प्लाट दे, 5 मल्ले का एक प्लाट देंगे हम बॉर्डर पर रहने वालों को, ताकि इन केस ऑफ फायरिंग वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को सेफर जगह पर शिफ्ट करें। लेकिन ना इन्होंने वो वायदा पूरा किया, ना पाकिस्तान को सबक सिखाया, ना पाकिस्तान को जो भी करना है। अब बॉर्डर के लोग, हम लोग तैयार हैं कि भाई आर पार की लड़ाई लड़ो, ये रोज़ रोज़ फायरिंग बर्दाश्त नहीं हो रही, रोज़ रोज़ माइग्रेशन बॉर्डर से उठना उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो चाहते हैं कि बॉर्डर पे जो भी आपने करना है करें, उनकी तरफ से, लोगों की तरफ से।